हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम आप लोगों के साथ एक क्विक रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो कि कांदे पोहे की होने वाली है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने इसको किस तरीके से बनाया। सो गाइस, हमने यहाँ पे पोहा ले लिया है जो कि 300 ग्राम तक है। अब हम इसको अच्छी तरीके से वॉश करेंगे ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। इसे बहुत ही हल्के हाथों से वॉश करना है आपको। तो यहाँ पे हमें हमारे पोहे को सोख करके नहीं रखना है, हमें बस इसे अच्छे तरीके से वॉश करके रखना है क्योंकि ये बहुत जल्दी ही बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो हमारे पोहे अच्छे तरीके से धो चुके हैं और हमने इसके गंदे पानी को फेंक देना है। अब तो गाइस, यहाँ पे हमारा पोहा रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब यहाँ पे हमने लिया हुआ है एक मीडियम साइज टमाटर, एक मीडियम साइज कटा हुआ आलू, एक बाउल प्याज और यहाँ पे हमने लिया हुआ है अदरक और मिर्ची और यहाँ पे हमने लिया हुआ है धनिया फ्लेवर के लिए। यहाँ पे हमने लिया हुआ है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और हल्दी अपने ज़रूरत के अनुसार। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये हमारा इंग्रेडिएंट्स है जिससे हम अपने पोहे को बनाएंगे। सो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। सो गाइज, हमारा ऑयल लगभग लगभग गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अब ऐड करेंगे जीरा। सो जीरे के तड़कने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे राई और राई के बाद अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं अपना प्याज और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सो प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन ही करना है। अब हम इसमें मिर्ची और जो अदरक हमने काट के रखा था वो ऐड कर दिया है हमने और इसको अच्छे तरीके से धीरे धीरे चलाना है। सो गाइज, हम पोहे में आलू डालते हैं क्योंकि हमें आलू बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को मूंगफली, मटर ये सब चीज़ें पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और इसे मिक्सअप करेंगे। देन हम यहाँ पे अपने आलू को ऐड करेंगे। इसे धीरे धीरे ऐसे चलाना है। सो इतना होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि ये जो आलू है वो अच्छी तरीके से पक जाए और एक बार हमें इसे फिर से इसी तरीके से अच्छे से चलाना है, मिक्स करना है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है ये। देन हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो हमने काट के रखे हुए थे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो गाइस देखिए, हमने जो अपने पोहे धुल करके रखे थे वो कितने ज़्यादा खिले खिले से आए हुए हैं। हमने इसे सोख करके नहीं रखा था, बस वॉश करके पानी से रखा था और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अपने फ्लेवर के लिए धनिया ऐड करेंगे। धनिया को ऐड करने से इसमें फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब हम यहाँ पे अपने पोहे को इसमें ऐड करेंगे। सो गाइस, पोहे को ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्सअप करना है ताकि ये इसमें अच्छी तरीके से मिल जाए और पोहे में भी फ्लेवर आ जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से सॉल्ट भी डालेंगे ताकि हमारा जो पोहा है उसमें भी नमक आ जाए। अब हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और कितनी जल्दी ये पोहे की रेसिपी बन के रेडी हो गई है। आई होप गाइज आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आई हो। अब हम इसे धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे।
सो गाइस फाइनली हमारा जो पोहा है वो बनके तैयार हो चुका है और हमने इसे नींबू के साथ सर्व किया है गाइस, क्योंकि हमें नींबू बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को खट्टे मीठे पोहे पसंद है तो गाइस आप इसमें बनाते टाइम थोड़ा सा शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें वैसा पोहा नहीं पसंद है, हम थोड़ा खट्टा पसंद करते हैं, इसलिए हमने इसमें नींबू ऐड किया है। सो अगर आप लोगों को ये रेसिपी क्विक रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिल जाए।